चंद लोग भड़काते हैं, उस भड़काव में मत आओ। ये जो भगवान के नाम पे वोट मांगते हैं ना, उन्होंने कुछ नहीं किया, ऐसे लोग भड़काते हैं, लोगों को दिशा भूल करते हैं और ऊपर से बोलते हैं देश में हम सब मिलकर रहना। मोदी साहब, रोने से कुछ नहीं होता, करके दिखाओ। तुम्हारे हाथ में हुकूमत है और तुम्हारे हाथ में करने का मेजॉरिटी भी है। तेलंगाना का जनता का मूड तो ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी को किसी न किसी तरह हुकूमत में लाना ये वोटरों का इरादा हो गया है। हम तो कहते हैं हमको वोट दो, लेकिन लोग ये कह रहे हैं अरे हम आपको वोट देने के लिए तैयार है, और इस बार हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी अधिकार में आए। क्योंकि ये कोई किसी को दुख पहुंचाना, किसी का क्रिटिसाइज करना, यह हमारा मकसद नहीं है। यह सब छोड़ दिए हम केसीआर को और मोदी को। यह तो तेलंगाना का जनता का मूड यह है। और इरिगेशन में जो घोटाला हुआ, कल्लेश्वरम बैरेज में जो घोटाला हुआ, इस घोटाले के वजह से और जो भ्रष्ट सरकार यहाँ है, इन्होंने बहुत कुछ गलत कामें की है। और इसको तो पहले तो जोर से मोदी साहब बोलते थे, लेकिन आजकल उनकी आवाज भी केसीआर के खिलाफ कमजोर हो गई है। और केसीआर भी मोदी जी को पहले बहुत बोलते थे, कहा यहां से चलते चलते महाराष्ट्र तक गए थे, यहां से केसीआर साहब चलते चलते महाराष्ट्र तक गए थे कि सारे हिंदुस्तान में अपने पार्टी को फैलाने के लिए गए थे, लेकिन सिर्फ मोदी के पास ही वो सुकड़ गए। जो मोदी बोले वही सही, और उसके से ज्यादा नहीं बोलना, ये उन्हीं का जो ये कहना है। और आज मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, कितना भी कोशिश मोदी और केसीआर दोनों मिलके करेंगे, फिर भी कांग्रेस जरूर आएगी। क्योंकि जनता खुद यहां के घोटालों को समझे हैं और उनके रिटायरमेंट के दिन भी अब आ गए हैं। हम नहीं बोल रहे, उन्होंने खुद ही बोले बस इसके बाद मैं रिटायर होता हूं। और उनका कुछ फार्म हाउस होते ना, फार्म हाउस में सब सहूलतें बना लिए हैं, उस फार्म हाउस में वो जाके बैठने वाले हैं। तो इसीलिए जब खुद मैं रिटायर हो रहा हूं, फार्म हाउस में जा रहा हूं, ये बात जब कहते हैं तो उनको कम से कम विदाई के लिए आप लोग अच्छी तैयारी करो। बाय बाय टाटा करके भेजना ना भाई। अगर जो आदमी खुद जाने को भी तैयार है और लोग भी भेजने को तैयार है, तो ये आज हालात उनकी है। लेकिन
मेरी पार्टी हमेशा जो कहती है वो करके दिखाती है। ये जो भगवान के नाम पे वोट मांगते हैं ना, उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन आज महिलाओं ने हर भगवान का दर्शन ले रहे हैं हमारे पास। कांग्रेस के इस वायदे से महिलाएं एक मंदिर नहीं छोड़े, हर मंदिर को, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी इसका, हर जगह महिलाएं हमारे पास लाखों के तादाद में जा रहे हैं। इसके बाद में थोड़ा कुछ परसों मोदी साहब आए थे, फिर वो शेड्यूल कास्ट में उन्होंने भिन्न भिन्न उनको अलग करने की कोशिश उन्होंने की, तो वो होने वाला नहीं है। यहां जिसको जो मिलना है, चाहे वो मादिगा कम्युनिटी हो, माला हो, और शेड्यूल कास्ट के हो, बैकवर्ड के हो, जिसको जिसको मिलना है वो जरूर कांग्रेस पार्टी देगी। इसमें हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, या किसी को कुचल के दबा के दूसरे को लाना, ये नहीं हमारा इरादा। अरे हम तो वो लोग हैं, इस देश का संविधान बनाकर सबको बराबर का हिस्सा हमने दिया है, हमने दिया। क्या क्या इन्होंने केसीआर दिया, क्या मोदी दिया? अभी मोदी पैदा ही नहीं हुआ था। ऐसे लोग भटकाते हैं, लोगों को दिशा भूल करते हैं, और ऊपर से बोलते हैं देश में हम सब मिलके रहना। भाई मिलके रहना ठीक है, कौन अपोज करे थे? आप आके 10 साल हो रहे हैं, कौन रोका था आपको करने नहीं करना बोल के? कोई नहीं, लेकिन आप नहीं किए। हर बात को ऐसा ही बोलते रहे इन्होंने, हर बात को बोले कि मैं 15 लाख दूंगा, दिए? मैं 2 करोड़ दूंगा, दिए? मैं किसानों की आमदनी डबल करूंगा, दिए? अब ये भी वैसा ही बोल रहे कि मैं करके रहूंगा कमिटी, दूसरा कुछ नहीं बोले, मैं उसके लिए कमिटी करके दूंगा। क्यों भाई, आपको 2/3 मेजोरिटी है, कल ऑर्डिनेंस निकालो, दे दो, जैसा कि वायदा यहां पर तेलंगाना के लिए हुआ था, वो तो हमने करके दिखाया, वैसा भी ये करके दिखाइए आप। मोदी साहब, रोने से कुछ नहीं होता, करके दिखाओ, तुम्हारे हाथ में हुकूमत है और तुम्हारे हाथ में करने का मेजॉरिटी भी है। तो इसीलिए भाइयों, चंद लोग भड़काते हैं, उस भड़काव में मत आओ, सभी हम मिलके एक होकर तेलंगाना को बढ़ेंगे, हमने तेलंगाना में प्रोग्रेस करेंगे। तेलंगाना को प्रोग्रेस अगर हुआ, हैदराबाद अगर प्रोग्रेस हुआ, तो सबको फायदा होता है, हर जिले में फायदा होता है। तो ये मैं इस वक्त कह के, इस मैनिफेस्टो तो बहुत अच्छा बना, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे लोग तैयार है, और मैं इतना ही आपसे कहूँगा कि जो वायदे हम किए हैं उसको कायम, उस पर कायम रखेंगे और आगे बढ़ेंगे, सबके लिए ये अच्छा होगा। इसीलिए हाथ के जो चिन्ह है हमारा, इस चिन्ह को सभी ने वोट देंगे, ऐसा मेरा मानना है। और मैं यही कहूँगा कि आज विद दिस, ये हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो जो यहाँ पर इन्होंने तैयार की, ये अभय हस्तम मैनिफेस्टो, इसको हम, हमारा ये गीता समझेंगे, हमारा ये बाइबल समझेंगे, हमारा ये कुरान समझेंगे, हमारा सबके लिए ये है काम करने का।